हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हम कक्षा 10 के विषय हिंदी के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का कंप्लीट सारांश। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको समय मिलेगा अपनी एग्ज़ाम में 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक रहेंगे आपके 80 नंबर, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। भाग ए का प्रत्येक प्रश्न अंक 1 अंक का है, भाग ब का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, भाग स का 3 अंक का और भाग द का 4 अंक का है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ भाग ए, जहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 में दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है जिसे आपको रीड करना है केयरफुली, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपको आंसर करना है। जैसे रीड करना है आपको, ये मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको ये वाला रीड करके दिखा देती हूँ। वाणी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे की काव का किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है, मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है, मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है, उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी का प्रभाव यह होता है कि सुनने वाले व बोलने वाले दोनों को आनंदित करती है। तुलसी ने कहा है, मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है, कटु भाषा बोलने वालों को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। खीरे का मुंह काट के मलियन नॉन लगाए, उसी प्रकार रहीमन कड़वे मुखन को चैहन सही सहचाए। कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ता है, मधुर वाणी अमृत है, कटुवाणी विष है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो अब ये गद्यांश था आपको। अब क्या करना है, दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जो कि इन्हीं में से पूछे गए हैं। इसी गद्यांश में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मृदुभाषु, अनमोल वरदान, मधुर वाणी, बहुभाषी। तो यहाँ सब जो आपकी मधुर वाणी की बात की गई है, मृदु भाषी नहीं, जो मधुर वाणी होती है उसकी बात की गई है, मीठी वाणी की। तो आपको क्या कर देना है, मधुर वाणी क्लिक कर देना है, या फिर आप उचित शीर्षक ये भी दे सकते हैं, अनमोल वरदान। ठीक है, कोयल और कौवे में अंतर का आधार है उनकी वाणी। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, बट कौवा जो है वो काँव काँव करता है और कोयल मीठी बोलती है कुहू कुहू। सभी कार्य वाणी से हो जाते हैं क्या सफल। ठीक है, मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है क्या, बढ़ती है सद्भावना। मीठे वचन ते सुख उपज चहु और, कथन है तुलसी। इसी तरह नेक्स्ट बी में दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक काव्यांश दे रखा है जिससे आपको पढ़कर के इससे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। वह आता डो टुक कलेजे के करता पछता था, पट पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह कटी पुरानी झोली का फैलाता, पथ पर आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता साथ दो बच्चे भी हैं साथ हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाइयां दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं, भूख से सुख और जब जाते, दाता भाग्य विताता से ये क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और जब झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। ये था काव्यांश। अब इससे रिलेट आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन 6 है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक क्या होगा आपको देखना है। तो आप करिए इसका आंसर, उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। जैसे उचित शीर्षक हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इससे काव्यांश में वह कौन है, वह यानी जो झोली वाला रहता है ना, भिखारी। ठीक है, दो टूक कलेजे के करता उसे देखकर कलेजे को टूक क्यों कर दे, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसकी गरीबी और बेबसी देखकर। वह फटी पुरानी झोली का मुंह क्यों खोलता है, मुट्ठी भर दाना की आशा लिए, अपनी गरीबी बताने के लिए, भूख मिटाने के लिए।
इस काव्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है बेबसी की? सही विकल्प चुनिए। जॉर्ज पंचम की ना कृति के रचनाकार हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए, आपको आंसर क्लिक करना है। सिक्किम के लोग किस धर्म को मानते थे? आपको चार ऑप्शन दिए गए, आपको आंसर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वागत में रिक्त स्थान उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सु प्लस आगत। अब आप देख लीजिए उपसर्ग कौन सा है, सु, ठीक है। कौटुंबिक शब्द में प्रत्यय लगा अलग कीजिए, आपको अलग करना है प्रत्यय, कुटुंब प्लस इक, ठीक है, आपको अलग करना है, इक लिख देना है यहाँ। वह पुस्तक पढ़ रही है वाक्य में क्रिया है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, पढ़ना क्रिया है। राम जयपुर जा रहा है, जयपुर शब्द में संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा आपको बताना है, ठीक है। सीता मधुर गाती है, वाक्य में विशेषण है, किस तरह से गाती है, मधुर गाती है, गाने की विशेषता क्या है, मधुर, तो यहाँ आपको लिख देना है। संधि दो रिक्त स्थान में होती है, तो यहाँ आपको लिख देना है संधि किस में होती है, दो प्रकार में होती है, क्या लिखना है आपको, आंसर आप देख लीजिए सही, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी एक शब्द में आंसर देने हैं दिए गए क्वेश्चंस के। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ लिखो। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको गृह कार्य में बता रखे हैं, अगर आपने ध्यानपूर्वक अपने सभी वीडियोस देखे हैं ना, तो आप तुरंत से क्लिक कर देंगे द्वंद्व समास का उदाहरण, जैसे माता पिता, राम श्याम, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, ध्यान रखिए। परशुराम ने लक्ष्मण को अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया। लेखक के पिता उसे भोलानाथ कहकर क्यों पुकारते थे। बिस्मिल्ला खान साहब को कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको रीड करके दिखा रही हूँ ना, आपके पिछले जो गृह कार्य हैं, आपकी बख्शीश है, उन्हीं से लिए गए हैं। तो यदि आपने अभी तक भी अपने वीडियोस नहीं देखे हैं ना केयरफुली, तो उन्हें जाकर के देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में पूर्णांक में से पूर्णांक आपको हासिल हो, ठीक है। दंतुरित मुस्कान से क्या आशय है। कन्यादान कविता का वर्ण विषय क्या है। लेखिका को साहित्यिक दुनिया से किसने परिचय कराया। अपनों का विश्वासघात मनुष्य पर क्या प्रभाव डालता है। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, हाथ में बिना है जिसके, ठीक है, कौन सा समास होता है, बहुव्रीही समास, ये भी बहुत बार बता रखा है आपको, सरस्वती, वीणा पाणी, ठीक है। चलिए भाग बे देखेंगे, जिसमें उत्तर सीमा आपकी 40 शब्द रहने वाली है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको आंसर बताए जा रहे हैं, उम्मीद है आपको साथ की साथ में आपको फटाफट से क्लिक हो जा रहे होंगे जो आपके आंसर हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके गृह कार्य में दिए गए हैं, आपके बख्शी से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो शीट रहेगा वो भी जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। बस आप इसी तरह जुड़े रहिए और अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें केयरफुली रीड करें और आंसर करें इन क्वेश्चन को, और फटाफट से लर्न कर लें इन क्वेश्चंस पेपर को, ताकि आपके जो पूर्णांक है 80 में से 80 हासिल हो। और हमारा चैनल यही दुआ करता है कि आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी अगर हेल्प मिली होगी तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और आप उम्मीद है कि आप हमारी चैनल की सहायता से अपने क्लास में टॉप कर पाएं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, लखनवी अंदाज कहानी पर किस पर और क्या व्यंग्य किया गया है। लखनवी अंदाज, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन आपके गृह कार्य में। फिफ्थ क्वेश्चन है, मनु भंडारी का जीवन पर कृतित्व पर प्रकाश डालिए। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि आपको जो आपके कवि हैं उनके जो कृतित्व है, उनका जीवन परिचय है, वो याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के जीवन व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल व सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया। एट क्वेश्चन है, हरी है राजनीति पढ़ी आई, इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, कितनी अच्छी व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने प्रकृति के जल व्यवस्था के संबंध में यह क्यों कहा था। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। टेंथ क्वेश्चन है, काशी हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। इलेवेंथ है, हालदार साहब की दुखी होने का क्या कारण था। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, उत्साह कविता के आधार पर निराला की कविता की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तेरहवा क्वेश्चन है, लड़की और बंदर पराई पीर नहीं समझते,
क्या बच्चे सचमुच स्वभाव से क्रूर होते हैं? आपका मत क्या है? 14वां प्रश्न है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में गठरी, चोर और मुसाफिर किन किन को कहा गया है और क्यों? 15 क्वेश्चन है, चीर प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य, इस पंक्ति में अंतर्निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। 16वां है, लेखक के मत में नवाब साहब का उससे खीरे का शौक फरमाने का आग्रह किस कारण था? ठीक है, तो ये थे आपके भाग बैक के प्रश्न। अब देखेंगे भाग सह से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपकी 3-3 मार्क्स के रहेंगे। तो 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको ये पठित गद्यांश दे रखा, आपके किस चैप्टर में से लिया गया है और आपको क्या करना है, इसे रीड करना है केयरफुली। दो आपको गद्यांश मिले हैं, यहाँ कितनी अच्छी बात हो रही है कि आपको दो पढ़े हुए गद्यांश देखने को मिल रहे हैं, आपको कोई भी एक चूज करना है और उससे रिलेट क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। उससे रिलेट जो आपके सप्रसंग व्याख्या करनी है वो आपको करनी है। ठीक है, सप्रसंग मैंने आपको कहा, प्रसंग में आपको लिखना है किस चैप्टर से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है और क्या बताया गया है इस पाठ में, और आपको व्याख्या करनी है, जो कि व्याख्या ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसको आपको समझा करके लिखना है। ठीक है, तो दोनों ही पैराग्राफ को रीड करें, कौन सा आता है आपको, आप अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करें। ठीक है, उत्तर सीमा आपकी 60 शब्द रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पद्यांश दिया गया है, आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है दिए गए पद्यांश की। यहाँ भी आपको अथवा में दो मिले हैं, मतलब यहाँ पर पद्यांश, तो बहुत इजी हो जाता है आपको एक चूज करना और व्याख्या करना उसकी। तो सह प्रसंग में यानी प्रसंग सहित आपको लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, कौन लेखक हैं और क्या बताया गया है इस पाठ में, और इस जो व्याख्या है वो इस पैराग्राफ की आपको करनी है कि क्या बताया जा रहा है इस पद्यांश में। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे के रसास्वादन को विचित्र तरीका क्यों अपनाया? अथवा साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, तुलसीदास पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त करें। बड़े प्रश्न हैं ये, आपको यहाँ अथवा में दिए गए हैं ये भी, तो या तो आपको ऊपर वाला कर लेना है या फिर नीचे वाला पाठ का जो क्वेश्चन है वो कर लेना है, बट आपको करना एक है इनमें से, तो ये भी आपको चॉइस दी गई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दोनों ही प्रश्नों को आप कर लीजिए सॉल्व, बट आपको उस नोटबुक में एक ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब भाग दे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स हासिल होते हैं इस भाग से। 20वां प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और स्पर्श से क्या क्या हो सकता है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। तो आपको लिखना है कि बच्चे की मुस्कान और स्पर्श से क्या क्या हो सकता है, तो कविता के आधार, जो कविता है आपकी दंतुरित मुस्कान, उसे लिया गया है क्वेश्चन, तो आपको उसी के आधार पर बताना है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300 से 350 शब्दों में सार गर्भित निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर चार विषय दिए गए हैं, कोई भी विषय चूज कर लेना है आपको और उसका सार गर्भित यानी उसकी प्रस्तावना, परिभाषा, उद्देश्य, ये सभी लिखने हैं। जिन भी सब्जेक्ट्स को आप ले रहे हैं उनमें सार सहित लिखना है, 300 से 350 शब्द होने चाहिए। फर्स्ट आपका दिया गया है आतंकवाद कारण व निवारण, कोरोना एक वैश्विक महामारी, ये बहुत कॉमन सा विषय है तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए। बालिका शिक्षा, ये भी बहुत कॉमन विषय है, इस पर भी आपको आना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो निबंध आ रखे हैं ना इसमें, इनसे हमने रिलेट हमारे चैनल पर निबंध अपलोड कर रखे हैं। मैं आपको बार बार मैं बोलती हूँ कि वो जो हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा में आपको हमारे चैनल पर, आप उन्हें तुरंत से देख लीजिएगा और तुरंत से देख लें और उन्हें याद कर लें, क्योंकि उनमें से आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको दो विषय पर तो हमारे चैनल से ही दिया गया है, मतलब चैनल में बताया गया है दो विषयों पर तो निबंध, वो तो वही दे रखा है यहाँ पर। तो अगर आपने हमारे चैनल से अच्छे से रीड किया है उन निबंध को, तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और अभी तक मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और आप देख सके अपने क्लास से रिलेट इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ये दिया गया है, बालिका शिक्षा, कोरोना, आतंकवाद, कॉमन से सब्जेक्ट्स हैं ये, इनमें ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए,
और चारों में से आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो आता ही होगा, तो आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, अपने बड़े भैया को पत्र लिखिए जिसमें आपके हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का अनुभव व आत्मविश्वास से में वृद्धि का वर्णन हो। तो आप हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, अपने बड़े भैया को पत्र लिखना है कि आपको किस तरह से पढ़ाई का अनुभव हो रहा है, आप में आत्मविश्वास की किस तरह से वृद्धि हुई है। तो ये पत्र लिखना है आपको। और अथवा में है इसके, आपके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, साथ ही गांव में शादियां होने के कारण देर रात तक तेज ध्वनि में डीजे बजाया जाता है जिसके कारण पढ़ाई में बाधा आ रही है, अतः गांव के सरपंच को शिकायती पत्र लिखें और कहें कि समस्या का समाधान करें। अब आपके एग्ज़ाम तो चल ही नहीं है, शादियाँ भी बहुत चल रही है, शादी का सीजन है, तो जो रात को डीजे बजाए जाते हैं ना, उसके कारण आपको पढ़ाई में बाधा आ रही है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने सरपंच को एक शिकायती पत्र लिखना है कि किस तरह से आपको समस्या आ रही है, उसका समाधान क्या होना चाहिए, आपको वो लिखना है, ठीक है। तो 10 बजे तक ही डीजे बजाया जाना चाहिए, कई लोग हैं जो 12-12 बजे तक बजाते रहते हैं, पता नहीं क्यों बजाते हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि आसपास के लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है ये उन्हें समझना चाहिए। तो आपको इसी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए शिकायती पत्र लिखना है गांव के सरपंच को, ठीक है। तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कोई भी एक कर देना है इसमें से। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपके शहर में लिबर्टी कंपनी के जूतों का नया शोरूम खुला है, 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको विज्ञापन लिखना है कि आपके शहर में एक लिबर्टी कंपनी का जूतों का नया शोरूम खुला है, तो किस तरह से विज्ञापन देंगे शोरूम वाले, वो आपको लिखना है। 25 से 30 शब्दों में होना चाहिए विज्ञापन, ठीक है। अथवा में है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपको पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जैसे किस तरह से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, किस तरह से कटिंग नहीं करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, तो ये जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है इसे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो विज्ञापन में आपको लिखना है, ठीक है, ताकि लोग उसे देखें और अनुभव हो उन्हें और वो उसे फॉलो करें, ठीक है। तो ये 50 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं विज्ञापन के, आपको कोई भी एक चूज करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये था हिंदी विषय का पेपर, उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। जल्द ही हम इसकी आंसर की भी लेके आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।